नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जन का मन कहें या बहस गरम कहें, स्वागत है आपका। आज मैं छिपरा के तट पर हूं, महाकाल की नगरी में। बड़ा सुंदर दृश्य होता है शाम का जब वक्त होता है, रात का जब वक्त होता है, तो लोग अपने घरों से निकलकर छिपरा के तट पर पहुंच जाते हैं। और छिपरा वही है मोक्षदायिनी। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, बाबा महाकाल के दर्शन करने से, और दर्शन भी नहीं करते हैं आप तो सिर्फ कलश के दर्शन करने से भी शांति मिल जाती है। और एक देखिए आप, नजारा बड़ा खूबसूरत है, हम आपको दिखा रहे थे। बहुत सुंदर नजारा होता है महाकाल की नगरी उज्जैन का, छिपरा के तट पर। शाम का वक्त होता है तो कलकल बहती छिपरा खुद कहती है कि चले आइए, मन को शांत कर लीजिए। लेकिन इस वक्त तो माहौल चुनाव का है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हिंदुत्व की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, बात विकास की हो रही है, मोदी की गारंटी है, राहुल की गारंटी है, लेकिन इस बीच में आम जनता के मन में क्या, तो चलिए मैं समझता हूं आज इसी कार्यक्रम के दौरान क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी। मैं शिपरा सा सरल तरल सा बहता हूं, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूं। वास्तव में उज्जैन के मन में मोदी है और मोदी के मन में उज्जैन है। मोदी जब पिछले साल महाकाल लोक का उद्घाटन करने आए थे, उसके बाद उज्जैन और पूरे मालवांचल की छटाई बदल गई है। पहले 50,000 लोग यहाँ आते थे, अब 4-4 लाख लोग रोजाना आ रहे हैं। तो न सिर्फ उज्जैन का बल्कि पूरे मालवांचल का रोजगार बढ़ा है, व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। तो इस चुनाव में न सिर्फ उज्जैन से बल्कि 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 29 कमल के फूल भगवान महाकाल के आंगन से हम मोदी जी को समर्पित करने वाले हैं। लेकिन पिछली बार जो कमल के फूल थे लाखों में यहाँ से डले थे गले में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब जीते थे अनिल फिरोजिया, वही फिर मैदान में, तो ये संख्या बढ़ेगी या कम होगी? निश्चित से बढ़ेगी। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था और अनिल फिरोजिया जी का 5 साल का कार्यकाल, आज उज्जैन के इतिहास में पहली बार 70 साल में उज्जैन नेशनल हाईवे जुड़ा है। इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में विक्रम उद्योगपुरी यहाँ ही है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों ने काम भी शुरू कर दिया, रोजगार भी शुरू कर दिया है। रेल के मामले में उज्जैन में बहुत सारी सुविधाओं की बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है कि विकास के क्षेत्र में अनिल फिरोजिया जी ने मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, पहले शिवराज जी के साथ मिलकर और डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम। ये वो नगर है जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आते हैं। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें काफी बढ़ गई होगी, बीजेपी की उम्मीदें यहाँ बहुत होंगी, मुख्यमंत्री भी यहीं से हो गए। भारतीय जनता पार्टी बीते कई वर्षों से हम देखें तो यहाँ वापस नहीं आ पाई, बीजेपी लगातार जीतती रही लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखा, अब क्या लगता है आपको, क्योंकि राहुल भी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं और मोदी भी गारंटी की बात कर रहे हैं। देखिए क्या है कि एमपी में भारतीय जनता पार्टी के पास में 28 सीटें थी और एक कांग्रेस के पास में थी, तो कांग्रेस के पास में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, पाने के लिए जरूर है। और मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, तो बात भी वैसे ही करती हूँ। और निश्चित ही यहाँ माँ शिप्रा के किनारे पर खड़े हुए हैं, वो भी सुन रही हैं कि इस बार वो सुनेंगी और पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आएगा। पिछली बार एक ही सीट थी लेकिन इस बार बढ़ने की संभावना है। उज्जैन बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। चलिए कह रहे हैं बी पॉजिटिव, वैसे भी निश्चित रूप से सोच होना चाहिए। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार लोकसभा? हमारे प्रत्याशी अनिल फिरोजिया जी 5 लाख वोट से जीतेंगे। 5 लाख से जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे सब। आप लोग सामान्य लोग, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार 400 सीट भाजपा की आएगी, टोटल बीजेपी आएगी। क्यों आएगी टोटल बीजेपी? मोदी जी ने काम ही ऐसा करा है पूरे भारत को। आज राहुल गांधी जी ने जी जो बोला है, पूरे देश को जो गाली दी है, उससे पूरा चौथा चरण चुनाव है पूरा एक तरफा हो गया है। उन्होंने पूरे देश को गाली दी है, अपने को अफ्रीका का बता दिया, हमको यूरोप का बता दिया, उत्तर वाले को, पश्चिम वाले को उत्तर का बता दिया, चीन का बता दिया, पूर्व वाले को ऐसी गाली दी है पूरे देश को, उससे पूरा चुनाव ही बदल गया है चौथा चरण का। पितृता की बात कर रहे हैं, सैम पितृता इस समय बहुत छाए हुए। माई जी ऐसा क्यों हो जाता है कि चुनाव के ठीक पहले आते आते चुनाव आपके ही लोग, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी ले ली हो? नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस बात का कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाई हुई जो भी चीजें हैं और ये जो व्हाट्सएप पर पढ़ पढ़ के उल्टी चीजें और सब बोलते रहते हैं, इस बार वो असर नहीं होने वाला है। खुद मोदी जी के द्वारा ही किए हुए काम ऐसे हैं, चाहे प्रज्वल रिवन्ना की बात कर ले, उनके लिए वोट मांगने के लिए गए, जनता वो देख रही है, माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात ये कि
कई मामलों में ये वाली चीज हुई है कि हम मणिपुर की बात कर लें तो वहां पर भी जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो वो सब याद है, भूले नहीं है कोई भी, और ये सब बातें इस बार याद की जाएगी और जनता इसका जवाब देगी। जनता जवाब देगी, बोले तैयार है जनता पूरी, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिया, करके दिखाया है और आगे भी करके दिखाएंगे। कोरोना काल को देख लें, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। यदि ये कोरोना का इंजेक्शन नहीं होता तो कोई लाशें बिक जाती पूरे भारत देश में, तो उनकी जानों को बचाने का काम भी मोदी जी ने किया है, और यहाँ तक कि बाहर भी कोरोना की दवाई मोदी जी ने पहुंचाई है। कोरोना काल का अगर याद किया जाए तो इतना पैनिक निकला है, चाहे पहले की बात कर लें या सेकंड टाइम की बात कर लें। पहले वाले में जबरदस्ती ठूस ठूस के गाड़ी में भर करके और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा था। अगर वो बीमार थे तो आपको पुलिस लाने की क्या जरूरत थी, एक बात। दूसरी बात, फिर उसके बाद में जब सेकंड कोरोना काल आया उस समय पर जनता मांग रही थी कि हमें बेड चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिला और लोकसभा के चुनाव में कोविड चलेगा, कोविड की चर्चा याद रखते हैं। जिन लोगों के साथ में जो गुजरती है वो भूलते नहीं है, इसलिए ये जो इस बार वाला चुनाव है बहुत चेंज होगा। मोदी जी की सेवाओं को याद किया जाएगा। विश्व गुरु जो भारत देश एक बनने जा रहा है वो मोदी जी के कामों से ही विश्व गुरु बनेगा। हमारा देश एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, 70 सालों में वो सोने की चिड़िया खो चुकी थी, उस खोई हुई चिड़िया को लाने का काम माननीय मोदी जी, हीरे की चिड़िया बन गई है। क्या लग रहा है मोदी जी के आने से हीरे की चिड़िया बन गई? मोदी जी के आने से नहीं बनी है, 70 साल से कांग्रेस थी, कांग्रेस ने पूरे देश को संभाल करके रखा और आज इस स्थिति में आकर के देश खड़ा हुआ कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो धर्म धर्म करते रहते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। जिन हाथों पर, दोनों हाथों पर कोरोना के टीके लगे हैं वो हाथ मोदी जी को वोट देंगे, और जो कांग्रेसी लोग दोनों हाथ में वैक्सीन लगी है भाभी को भी, इसके बावजूद वोट दे रही है। नहीं, मैंने एक भी नहीं लगाई, ये गलत बात। मुझे नहीं, मैं साइंस नहीं पढ़ी आप, नहीं मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने माना ही नहीं कितनी जल्दी कहाँ से बन करके आ गई। और देखिए वो पोल खुल करके सामने ही कि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो बॉन्ड दिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो पैसा दिया, बस इसलिए सबको वैक्सीन लगवा दी गई और वैक्सीन के इतने खराब परिणाम सामने निकल करके आ रहे हैं। कई युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है और वैक्सीन लगने के बाद में हाथ पैर दर्द और मतलब कई तरह की शारीरिक समस्याएं लोगों को। मुझे पूरा ध्यान है कि माया त्रिवेदी जी ने वैक्सीन लगाते हुए फोटो जारी किया था, आज इनकार करें अलग बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और यही नहीं, और ये चैलेंज है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के साथियों को नॉर्थ ईस्ट दिखता है, दक्षिण भारत दिखता है, किंतु उनका प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, रेवन्ना जब जीतू पटवारी किसी एक महिला के अंदर उनको रस दिखता है, उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? महिला की बात आ रही है, लेकिन यहाँ सामान्य लोग, आप लोग आम जनता है, क्या 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 होगा इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में मेरे को तो लग रहा है बीजेपी जीतेगी शायद। क्यों लग रहा है? ये देख ही रहे हो यहाँ पे 100% में 70% बोल ही रहे बीजेपी, तो यही सैंपल बता रहा हूँ। हालांकि मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, विकास दोनों ही नहीं कर रहे, बट लग रहा है लोग देख के बीजेपी जीतेगी। क्या लगता है आप लोग, क्या होगा? मोदी फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे। देखिए साहब, बीजेपी को भरोसा है और कांग्रेस को उम्मीद है, और दोनों जो प्रत्याशी हैं तो विकास के मामले में काम जो हुआ है वो तो आपके सामने। एक अपन शिप्रा नदी की बात कर लें कि ये इसका आप भी कभी नहाए होंगे यहाँ पे, ये शिप्र गति से बहने वाली शिप्रा अपने मूल स्वरूप में कब लौट जाएगी, ये इन दोनों से, दोनों पार्टियों से पूछा जाना चाहिए। जमाने में सही थी क्या कांग्रेस के जमाने में शिप्रा की स्थिति सही थी क्या? मैं भी खड़ा हूँ 75 साल का, कांग्रेस के जमाने में भी यही, ये विगत 60 सालों से छिपरा सुधार समिति जी बनी है,
और वो उसका कार्य चल रहा है और बदस्तूर खाली कागजी लिफाफे। शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खा चुके हैं, आज भी पेट नहीं भरा फिर शिप्रा की बात करने लगते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यह हुआ कि शिप्रा जी में मछलियों का बरना लगातार जारी था, लेकिन राजनीति कुछ ऐसी हुई कि यहाँ नाला उपनाया और जो हमारा प्रत्याशी महेश परमार वो आकर के यहाँ पर बैठे, तो उन्होंने ये कहा कि ये सब नौटंकी हो रही है। तो अगर ये नौटंकी थी तो वो जो मछलियां मर रही थी उन्होंने क्या आत्महत्या कर ली थी? जवाब दे दीजिए, मछलियां मर रही थी, आत्महत्या कर ली थी? बिल्कुल नहीं, ये कोई घटना हुई होगी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए माँ क्षिप्रा मैया के लिए उसको प्रभावमान बनाने के लिए दिए हैं। आगे जिस तरह के प्रभावमान बनाने के लिए दिए हैं, मुझे याद है जब सीएस 2016 में मैं यहाँ था, सीएस को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, फिर ये कहा गया कि शिप्रा कल कल बहने लगेगी, लेकिन शिप्रा सोनू भाई है तो वही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो 2028 का सीएस होगा तब तक नदी में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं मिलेगा। 2004 का जब सीएस हुआ उमा भारती का तब भी है। ये शिप्रा की दुर्गति कांग्रेस सरकार के समय हुई, मध्य प्रदेश में 46 सालों तक कांग्रेस का शासन था, 2003 के पहले शासन किनका था? तो सबसे ज्यादा दुर्गति यदि हुई है कांग्रेस शासन में हुई, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने उज्जैन में 400 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली है सीवरेज की, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज भी गंगा नर्मदा और गोदावरी के बाद भारत की किसी नदी में पानी है तो शिप्रा के अंदर पानी है। शिप्रा जी का पानी अपन नीचे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। अभी अभी हाँ चलो ना, देर की बात नहीं कर रही हूँ, अभी चलेंगे अपन। देख रहे हैं 50,000 लोगों ने, 8,000 लोगों ने शिप्रा में स्नान किया है। हमारे सीएम साहब कीड़े तैरते हैं, इसके बावजूद हम जाते हैं तो हमारी आस्था है, फिर भी हम स्वीकार करो ना, यहाँ पे कीड़े भी नहीं है। जो बोली वो समझे नहीं है। अरे पंचकोसी का नहा दूंगा अभी, लाखों लोग नहाए गए हैं, कीड़े होते हैं गंगा जी में आज भी है, कीड़े मिलेंगे लगा लेते हैं, सब यहाँ पर आके फेंकी जाती है। शिप्रा का पानी भी है और आप देखिए घर से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार रोज पहले भी यहाँ नहाए थे मोहन जी, और ये कांग्रेस से मुद्दा है, कांग्रेस से मुद्दा है, शिप्रा में इतना काम हुआ है, कांग्रेस ने जो करा है वो समझा दिख रहा है। अभी फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी 400 आएगी और 29 सीटें मिलने वाली है। मोदी 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 आया सीएस हो गया, सीएस में स्नान किया एक महीना, लेकिन ऐसा कहा जाता कि महिलाओं को 3 दिन और ज्यादा स्नान करना होता, तो मैं अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि नहीं अपन 3 दिन और स्नान करके आते हैं, तो जैसे शाही स्नान हुआ था उसके अगले ही दिन मैंने आके यहाँ सामने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई और मुझे बदबू आ रही सब तरफ से, तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों आ रही है, और फिर मैंने देखने की कोशिश की बाहर, उनसे पूछा तो उनने बोला वो पीछे वाला नाला मिल रहा है पूरा का पूरा। 16 के नाम पे मन लेता की करो, कांग्रेस वैसे ही डूब रही है, कांग्रेस वैसे डूब रही है, कांग्रेस वैसे डूब रही है, शिप्रा में मत करो ऐसी। आखिर रुकेगा कब सरकार? गांव के जो 11 नाले मिल रहे थे वो 11 नाले नहीं मिले, इसके लिए पूरे इंतजाम कर ले। आज भी पानी अच्छा है, नर्मदा का पानी भी इसमें आ रहा है, सहायक नदियों की तरफ से पानी इसके अंदर छोड़ा जा रहा है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सीएस तक शिप्रा सदा नीरा हो जाएगी, और कांग्रेस के समय जो शिप्रा पे काम नहीं हुआ है उसके कारण जरूर थोड़ी देर लग रही है, पर आने वाले समय में शिप्रा को सदा नीरा बना देंगे। पिछले सीएस में 8 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, आज 50,000 पंचकोसी यात्रा ने इसी शिप्रा में स्नान कराए, इसलिए आस्था है, लोगों की आस्था है, डुबकी तो लगाएंगे। पंचकोसी यात्री आने वाले थे तो यहाँ का पानी बदलने की कोशिश की, गलत गलत गलत, एक बार नर्मदा का पानी यहाँ स्नान के लिए ले रहे, मुद्दा चाहिए, कुछ नहीं है, एक दिन छोड़ कर पानी दिया। अरे अभी डुबकी लगा लो, आप क्या सोचते हैं? क्या शिप्रा साफ है?
साफ तो नहीं है, साफ तो नहीं है। लेकिन ये क्या मुद्दा होगा लोकसभा के चुनाव में? होना चाहिए। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, शिप्रा जो है उसकी, जैसे नर्मदा जो मुख्य नदी है, शिप्रा जैसी कई सारी नदियाँ, ऐसी छोटी नदियाँ सहायक नदियाँ जो रहती है वो मुख्य नदियों के जीवित रखने का काम करती है, लेकिन ये उल्टा हो रहा है कि मुख्य नदियों से पानी आके सहायक नदियों को जीवित रखा जा रहा है, तो नदियाँ कब तक बचेंगी? नदियां कब तक बचेंगी? नदियों को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कहा तो इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया, लेकिन नदियां कितनी जुड़ी, तो शिप्रा और नर्मदा का लिंकअप भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी शिप्रा की स्थिति ठीक नहीं है, कैसे होगी? देखो हर चीज समय लेती है, मतलब एक लंबे समय से ये चल रहा था, लेकिन अभी चीजें धीरे धीरे चेंजेस हो रही है। कम से कम ये सोचा तो गया कि नर्मदा का पानी आ सकता है, इन 15 सालों में यही सोचा गया, उसे ही मूर्त रूप दिया गया। कांग्रेस के पास एक लॉन्ग टर्म विजन हो तो हम युवा भी सपोर्ट में आए कहीं से। आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे इनके अध्यक्ष है, मतलब कैसे युवा जुड़ेगा इनसे, आज तक हमें ये समझ में नहीं आया। राहुल गांधी जी कहीं से हमको अब युवा जैसी उनकी बातें न लगती है, युवा नहीं है, 40-50 साल के है, वो युवा है, वो प्रधानमंत्री 74 साल की, कांग्रेस मानती युवा उनको, 74 साल मानती है, बहुत अच्छा युवा दिखता है उस व्यक्ति से, तो हम क्या करें कैसे, मतलब हम लोग तो एक न्यूट्रल है, वोटर भी नहीं है, युवा है, हम वोट भी निकालेंगे। भाई वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से हम जुड़ना चाहते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस से हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं जुड़ सकते हो ना, बताओ मुझे आपके नंबर, अरे जुड़ना चाह रहे, पार्टी उस तरह का काम नहीं कर रही कि हम जुड़े, हम तो जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल किया है पार्टी ने उस तरह का काम, अगर आप आना चाहते हैं कांग्रेस के साथ में तो बैठ करके हम बताएंगे, बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आ रहा वो पढ़ना बंद कर दो तो आपको कांग्रेस के लिए आपका माइंड साफ हो जाएगा, जो कुछ चला है सब कुछ झूठ चला है, राहुल गांधी जी आपके लोग तो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, सब आए जा रहे हैं, समय पीछे पड़ी रहती हूँ, इसलिए स्मृति ईरानी को उनकी जगह याद दिलाई जा रही है, भाग गए राहुल गांधी, भाग गए, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके सामने लड़ेगा, ये नीचे दिखाया है, अरे कहीं भगोड़े भगोड़े, ऐसी बात नहीं है, राहुल गांधी जी को अमेठी से चुनाव लड़के दिखाना चाहिए था, क्या वो अपनी कोई बात नहीं, रायबरेली से लड़ रहे हैं, वो अपनी पारिवारिक सीट है, आप लोग क्यों घबरा रहे हो, आप कह रहे हैं पारिवारिक सीट पर जाना पड़ा, पारिवारिक सीट पर जाना पड़ा, रायबरेली उनकी पारिवारिक सीट है, वहाँ की जनता नहीं चाहती थी सब चले जाए, उनकी इच्छा थी कोई एक लड़े, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे सब दूर जाना है, सिर्फ राहुल गांधी तैयार, लोग कांग्रेस में क्यों जुड़े, जब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करती है, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाती है, सबने करा, शपथ पत्र दिया है, सेम पित्रोदा, सेम पित्रोदा कहता है कि भारत के लोग अफ्रीकन है, भारत के लोग चाइनीज है, और आज उस व्यक्ति को सेम पित्रोदा को इस्तीफा देना पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले चुनाव के बाद 4 जून के बाद कांग्रेस के 3-4 टुकड़े हो जाए, राहुल गांधी की पार्टी, खड़गे की पार्टी, माया त्रिवेदी की पार्टी, ये क्या मुद्दे, ये सब है, बेरोजगारी लोकसभा की बात करो, क्या महंगाई जैसे मुद्दों को नहीं मानते, महंगाई है, महंगाई तो महंगाई, भारतीय जनता पार्टी का जनार्दन देखकर इनके प्रत्याशी इतने डर गए हैं कि इनके पास एक ही प्रत्याशी बचा है, लोकसभा भी लड़ लेता है, विधानसभा भी लड़ लेता है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कितने लोग हैं जो चुनाव हार गए उनको लोकसभा का टिकट दे दिया, एक ही को थोड़ी दिया, अलग अलग दे रहे हैं बार बार, हम अलग अलग लोगों को लड़ा रहे हैं, अलग अलग जगहों से कितने लोगों को टिकट काटे, नए बोला 5-6 बार के जो विधायक थे वो तो अभी हटाया, बदला बदला के बदला कार्यकर्ता को ऐसे व्यक्ति को लेकर के आए जो ना कोरोना काल में कभी खड़ा हुआ था आकर के न जनता के बीच, क्या कर रहे हैं आप लोग चुनाव में, क्या करने वाले, राहुल राहुल के साथ जाएंगे बोल रहे, राहुल के साथ जाएंगे, राहुल वो कह रहे हैं राहुल के साथ जाएंगे, राहुल युवा है ना, 50 साल के युवा है, आप क्या दिखाएंगे देश को, आप तो युवा है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम, धर्म की बात करते हैं, और महाकाल लोक बनने से देश रोजगार बड़ा है, मोदी 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 मो
मोदी झूठ बोलते हैं। जिस दिन राहुल गांधी ये बता दे कि आलू जमीन में उगता है कि ऊपर उगता है और कांग्रेस को वोट दे दूं, कांग्रेस को वोट दे दूं। ये बयान तो खुद नरेंद्र मोदी का था। नहीं, राहुल गांधी वायनाड के चुनाव के क्षेत्र से निकले, किसानों ने कहा कि हमारे फसलों का नुकसान हो गया, ओलावृष्टि हो गई, तो राहुल गांधी कहता है कि आप फसलें ओपन लिस्ट क्यों बोलते हो? यही सब मुद्दे चुनाव का वो करेंगे। निश्चित रूप से मुद्दे बड़ा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं 4 करोड़ गरीब परिवारों को भवन दूंगा, मैं आयुष्मान का कार्ड दूंगा। का काम यदि किसी ने किया है, मोदी जी के साथ है, जिसके पास नियत है, नीति है और नेता है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, कुछ नहीं है, विजन नहीं है। 70 साल युवा क्या सोचते हैं? पहली बार का वोटर कौन है इसमें? पहली बार का वोटर आप लोग पहली बार वोट करेंगे क्या? सोचकर वोट करेंगे? राहुल गांधी में क्या अच्छा देखते हैं? की विजय हो, किसी ने कहा था कि कांग्रेस के नाम मुक्त भारत बनेगा? सनातन के नाम को मुद्दा सनातन का है। बार बार सनातन हिंदुत्व आ जाता है, वो कहते हैं कि राम के मंदिर आप जाने से मना कर देते, बहिष्कार कर देते। आप मंदिर बनने के बाद नहीं गए? मंदिर बनने के बाद नहीं गए? और हमेशा जाते क्यों नहीं गए जिसको लेकर सवाल खड़े हुए? देखिए, वो इवेंट था भारतीय जनता पार्टी का, इवेंट करना चाहते थे। लेकिन एक बात बहुत साफ, मैं चिपरा जी के किनारे खड़े होकर के बोल रही हूँ कि बहुत चाहा इन्होंने कि वो मुद्दा चले, सिर्फ बीजेपी। राम सेतु का बता दिया था पहले, तो आप राम का मुद्दा नहीं है? राम सेतु का बता दिया था, राम सेतु का बता दिया था। राम का चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा कांग्रेस के लोग बना रहे हैं। भाई, जो मामला 70 साल से अटका था वो मोदी जी के शासन काल में हुआ है। एक ट्रस्ट ने मंदिर बनाया है, किंतु कांग्रेस के लोग तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए मंदिर नहीं जा रहे। और सिर्फ इन्होंने राम मंदिर का विरोध नहीं किया, मोदी जी जब महाकाल लोक का उद्घाटन करने आए थे तब भी कांग्रेस की जो प्रत्याशी वो श्रीमती माया त्रिवेदी, इन्होंने विरोध किया था उस महाकाल लोक का भी। आपने विरोध जबरदस्ती महाकाल जाते हैं हम रोज, बताओ चलो महाकाल जाते हैं, आपको बाहर कर देगी। मैं महाकाल जाती हूँ, कांग्रेस में आप महाकाल जाते हो क्या? महाकाल रोज जाती हूँ, रोज जाती हूँ मैं धार्मिक लोग, इस बात का जवाब दो। महाकाल आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, मेरा अंतिम सवाल है, सभी लोगों से क्या होगा इस बार चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ से लगातार चुनाव होते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती रही। हम बरसों का रिकॉर्ड और ये महाकाल की नगरी उज्जैन है। जाहिर है, लोकसभा की बात करते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा भी आ जाता है, चिपरा पर बात भी होती है, लेकिन चिपरा इंतजार कर रही है कि आखिर मैं कलकल बहती कब नजर आऊंगी। तो वादे दावे दोनों दलों की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन चिपरा को अपना इंतजार है। लोकसभा चुनाव का भी युवा से लेकर हर एक मतदाता को इंतजार है। होगा क्या, तो इंतजार कीजिए। पर मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर बहस गर्म भी होती है और जन का मन समझ भी आता। तो मुझे और अस्मी को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।